ओके, सो वी फाइनली हैव गोजो कम बैक। देखो आज के इस वीडियो में तुम लोगों के लिए, जितने भी गोजो के फैंस बैठे हुए हैं, मैं खास तुम लोगों के लिए एक ऐसी थ्योरी ढूंढ के लाया हूँ इंटरनेट से, जिसमें गोजो के कम बैक के काफी ज्यादा चांस है। मैं थोड़े बहुत भी नहीं कहूंगा, बल्कि काफी ज्यादा ऐसे प्रूफ दिए गए हैं कि गोजो कम बैक करने वाला है अब। वेल, वो क्या सारी चीजें हैं और कैसे गोजो कम बैक करेगा, उसके क्या क्या हिंट्स दिए गए हैं, मैं सारी चीजें तुम लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वेल, सबसे पहले मैं तुम लोग को एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज की ये वीडियो सिर्फ एक थ्योरी के ऊपर बेस होने वाली है, तो इस चीज को कंफर्म पक्का मत मान लेना। तो देखो, सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले गोजो कमबैक कैसे करेगा और वो कैसे कमबैक कर सकता है, इसके क्या क्या हिंट्स दिए गए हैं, और दूसरी बात, गोजो ने अगर कमबैक किया तो क्या होगा जीजेके के अंदर। इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग गोजो के कमबैक के ऊपर बात करें तो देखो, गिगी याकुटामी ने अभी रिसेंटली जुजुत्सु काइज़न मांगा वॉल्यूम 26 के लिए एक न्यू आर्ट को पब्लिश किया है। अब इस आर्ट को अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को ऐसा लगेगा कि गोजो की रीअवेकनिंग हुई है, क्योंकि उस आर्ट के अंदर हम लोग को गोजो का आधा हिस्सा दिखाया गया है। वो कलर तो नहीं है, उसको देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, गोजो की रीअवेकनिंग हो रही है वहाँ पे। अब इस चीज को देखकर काफी सारे फैंस ये चीजें एक्सपेक्युलेट कर रहे थे कि गोजो कमबैक करने वाला है। अब मैं पागल तो होने की सिर्फ एक इसी चीज की वजह से इतना बड़ा वीडियो बना दूंगा कि गोजो कमबैक करेगा, और मैं तुम लोग को कह भी दूंगा कि करने वाला है। इस चीज के ऊपर मैं तुम्हें पक्के प्रूफ देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो गोजो कमबैक कैसे करेगा वो तुम लोग को मैं बता देता हूँ। देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि गोजो कमबैक करेगा और उसके बदले उसने एक बाइंडिंग वॉक किया है। देखो, गोजो जब सुकुना से लड़ रहा था तो वो अच्छे से जानता था कि सुकुना अभी अपने पूरे फुल पोटेंशियल पर नहीं है, इसीलिए गोजो को भी कोई ना कोई तैयारी करके रखनी पड़ेगी ताकि वो सुकुना को हरा सके, क्योंकि गोजो इतना बड़ा पागल नहीं है कि वो किसी एक ऐसे बंदे से अपनी पूरी 100% पावर पे भिड़ने चला जाए जो खुद 100% नहीं है। पता ही है ना, सुकुना के पास 19 फिंगर्स थी, ये बात गोजो को भी पता थी, और गोजो को ये बात भी 100% पता ही होगी कि सुकुना अपनी जिस फॉर्म में लड़ रहा है वो उसकी हाई एंड एरा वाली ट्रू फॉर्म नहीं है। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, गोजो को पता होगी, और इसीलिए इस थ्योरी के अंदर ऐसा बताया गया है कि गोजो ने सुकुना से लड़ने से पहले ही एक बाइंडिंग को बना लिया था कि अगर सुकुना इस फाइट के अंदर उसको मार दे तो गोजो को वापस से हील किया जा सके। और इस बाइंडिंग वो के अंदर उसने पता है दांव पर क्या लगाया था, अपनी एक आंख। इसीलिए ये जो हम लोग को आर्ट दी है गिगी याकुटामी ने, उसमें गोजो की एक आंख दिखाई गई है, उस एक आंख पे थोड़ा सा फोकस सा दे रखा है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास थोड़े बहुत और पॉइंट्स हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये जो बाइंडिंग वो है वो किससे मिलता जुलता है। जेजेके के अंदर पहले से ही ऐसी चीज हो रखी है, और ये चीज हुई थी हकारी वर्सेस काशिमो की जब फाइट हो रही थी, तुम्हें पता होगा, तो काशिमो ने अपना एक हाथ काट लिया था और एक हाथ उसने बाइंडिंग वो के लिए काटा था। उसने बाइंडिंग वो किया था कि मुझे बस एक बार के लिए अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलना है, इसके बदले में मैं अपना एक हाथ दे देता हूँ। और फिर बाद में ऐसा हुआ भी था कि उसने अपना डोमेन खोला और उसने काशिमो को हरा दिया था। वो बात अलग है कि काशिमो ने अपना पूरा अटैक मारा नहीं था, क्योंकि उसे सुकुना को ही पेलना था, काशिमो भी तो चूतिया था यार। वेल, ये बात की बात है, फिर अभी अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। तो ये जो चीज अपने हकारी ने यूज करी थी, ये सेम की सेम चीज अपना गोजो भी यूज करने वाला होगा। जिस तरह से हकारी ने अपना एक हाथ दे दिया अपना डोमेन खोलने के लिए, उसी तरह से गोजो ने अपनी एक आंख दे दी अपने आप को वापस से जिंदा करने के लिए। अब देखो, हकारी ने तो अपना हाथ दिया था, गोजो ने अपनी आंख क्यों दे दी? क्योंकि गोजो मर चुका है, और उसको अगर दोबारा से जिंदा होना है तो उसे काफी बड़ी चीज दांव पर लगानी पड़ेगी, और गोजो के पास है 6 eyes। गोजो ने अपनी एक आंख के बदले अपनी जिंदगी वापस ली, और वो एक आंख नॉर्मल आंख नहीं है, वो 6 eyes यूजर है गोजो। उसने अपनी 6 eyes की आधी पावर दे दी है, दांव पर लगा दी है, ताकि वो दोबारा से जिंदा हो सके। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ। मैं देखो, जेजेके के अंदर इस चीज के काफी सारे प्रूफ पहले से ही दे रखे हैं, तो मैं तुम लोग को स्क्रीन पर 3 photos दिखाता हूँ जिसमें गोजो की एक आंख पर स्पेसिफिक फोकस किया गया है। पहली फोटो तुम लोग देख रहे हो, इसमें गोजो की एक आंख पर सनलाइट आ रही है, और इन दोनों आंखों में तुम लोग डिफरेंस देख सकते हो, एक आंख नीली है, एक आंख नीली नहीं है। इसके बाद दूसरी फोटो में तुम लोग देख पा रहे हो कि गोजो की जो एक साइड है, यानी कि उसकी एक आंख, उस पर क्रैक सा पड़ रहा है। अब इन दोनों चीजों के अकॉर्डिंगली इस थ्योरी को थोड़ी सी ज्यादा सेंस मिल रही है, थोड़ा सा ज्यादा पावर मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊं, तो तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें एक पोस्टर दिख रहा होगा, ये जुजुत्सु काइज़न की मांगा का ही है। ये ऑब्वियसली चैप्टर 1 रियोमेन सुकुना का है। इसमें यूजी दिखाया हम लोग को, सुकुना की थोड़ी बहुत चीजें दिखी है, मैगुमी, नोबारा और गोजो दिखे हैं। अब सबसे पहली बात, तुम लोगों को इसमें मैगुमी से रिलेटेड कुछ अजीब लग रहा है? अगर नहीं लग रहा तो इस फोटो को जूम करो, मैगुमी पे नहीं बे, मैगुमी के टोड्स पे देखो। हाँ, ये पॉइंट, मैगुमी के टोड पर स्पेसिफिकली जो तुम लोग टैटू देख पा रहे हो किसके हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सुकुना के टैटू है, जो इस चीज को फोरशैडो करता है कि मैगुमी की बॉडी में आगे चलकर सुकुना कंट्रोल ले लेगा। अब ये तो मैगुमी की बात हो गई, इसको साइड में रखते हैं। मैगुमी के थोड़े साइड में आओ तो तुम्हें नोवारा और गोजो दिखेंगे। इन दोनों पे अगर तुम लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगाकर सोचोगे तो इन दोनों ने अपना एक साइड दिखा रखा है चेहरे का। याद करो, नोवारा की डेथ कैसे हुई थी, माइतो ने उसको जब मारा था तो कैसे मारा था, उसकी एक आंख पर अटैक किया था
खत्म आई तो ने। और मैं तुम लोगों से अगर ऐसा कहूँ कि गोजो के साथ भी ऐसी चीज होने वाली है तो गोजो की भी एक आंख चली गई है तो क्या तुम मानोगे? अच्छा चलो ये भी तुम्हें कम लगता है तो मैं तुम्हें गोजो का जो सबसे पहला कवर आर्ट था, जो गोजो की आर्ट थी सबसे पहली, वो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। इस आर्ट में तुम लोग देखो, हम लोग को गोजो की सिर्फ एक ही आंख दिख रही है इसमें। अब देखो ये सारे थे प्रूफ्स जो कि मैं तुम्हें देना चाहता था और मैंने तुम्हें दे दिए। अब तुम लोग के अंदर जो एक उम्मीद मर चुकी थी तो उसको जिंदा कर लो। मेरे हिसाब से गोजो वापस आने वाला है, कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हिंट्स ऐसे दिए जा रहे हैं कि गोजो वापस आएगा। और देखो मुझे गीगी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गीगी खुद भी इस बात को जानता होगा कि अब उसके यूनिवर्स को बचाने के लिए सिर्फ गोजो ही लगेगा। गोजो के अलावा किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुकुना को हरा सके। हाँ एक बंदा है यूजी इतादोरी, अगर उसको कोई अनइमेजिनेबल पावर्स दे दे तो फिर उसकी कह नहीं सकते। और अगर गीगी ने ऐसा किया तो फिर उसकी मांगा ही खराब हो जाएगी, क्योंकि भाई यूजी इतादोरी को अचानक से एक ऐसी पावर दे देना कि वो सुकुना को हरा दे, इतने पावरफुल इंसान को, वो अपने आप में ना लॉजिक नहीं बनाएगा, सोच के देख लो तुम लोग एक बार। अब चलो ये इतनी सारी बात तो हो गई कि गोजो कमबैक कैसे करेगा और उसके क्या क्या प्रूफ्स हैं। अब मैं बात करता हूँ कि गोजो के कमबैक करने के बाद जेजे के यूनिवर्स में होगा क्या। तो गोजो के कमबैक करने के बाद जेजे के यूनिवर्स पूरी तरह से डूब जाएगा फैंस के लिए, क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि जुजुत्सु काइजन का जो मेन कैरेक्टर है वो गोजो नहीं है, वो यूजी इतादोरी है। और पूरी मांगा के अंदर यूजी इतादोरी को इतनी बड़ी कोई पावर दी नहीं कि उसको मेन कैरेक्टर कहा जा सके। रिसेंटली अभी उसको ब्लड मैनिपुलेशन सिखाया, लेकिन क्या फायदा, जो सो करता है ब्लड मैनिपुलेशन और कामों भी करता है ब्लड मैनिपुलेशन, दोनों को आता, दोनों अच्छे से कर लेते हैं। यूजी को दे दिया, कुछ और नहीं दे पा रहे थे। और हाँ, अगर गोजो कमबैक करेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी यूजी के लिए, क्योंकि फिर गोजो के कमबैक करते ही यूजी को एक साइड में धकेल दिया जाएगा, कोई भी यूजी पर रत्ती भर भी फोकस नहीं करेगा। अभी मेन कैरेक्टर होने के नाते उसको फाइट में टिका रखा है, अभी तक उसको इतनी गहरी चोट नहीं थी कि वो बेचारा ट्रॉमा में चला जाए, अभी तक तो उसको टिका रखा है, लेकिन गोजो के आने के बाद एकदम उसको साइड में कर दिया जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। और ये चीज तो तुम लोग भी इतने पागल नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं होगी, तुम लोग अच्छे से जानते होगी गोजो अगर एक बार फाइट में एंटर कर गया तो पूरे जितने भी कैरेक्टर्स है जेजेके यूनिवर्स के अंदर उनके साथ क्या होगा, सब लोग एक साइड में बैठ जाएंगे, मैं पैसा कमाने लगेगी लाइव स्ट्रीम चला के, बस हो गया खत्म, पीछे करो अपनी प्लानिंग, मैं कमा रही है पैसा, सुकुना से लड़ रहा है गोजो, तुम क्या कर रहे हो बे, गीगी क्या कर रहा है, यूजी क्या कर रहा है, सब तो ऐसी तैसी करा रहे हैं अपनी। वेल सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल और थोड़ा ज्यादा भावुक गुस्से में आ गया था, क्योंकि मेरा चैनल चलता है भाई जुजुत्सु काइज़न के ऊपर और ये लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि काम है, धंधा है, वीडियो बनाना पड़ेगा। आई होप कि तुम लोग को ये जो थ्योरी थी गोजो के कमबैक से रिलेटेड तुम्हें पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दो, शेयर दो कमेंट्स में, और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है, गोजो को कमबैक करना चाहिए, यूजी को एक साइड में हो जाना चाहिए, या फिर यूजी को तरीके के साथ कोई स्पेशल पावर दे देनी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम, अरे कमेंट करो यार, फिर से बोल दिया, सॉरी।